मैं बेटी हूं ना, मुझे तो अम्मी ने माफ कर दिया है, लेकिन आपको अब तक माफ नहीं किया। अगर आंटी नूर को माफ कर सकती हैं तो मुझे क्यों नहीं? अस्सलाम वालेकुम। कौन तुम यहां? मैं आपसे माफी मांगने आया हूं, मुझे माफ कर दीजिए। माफी? अगर आप अपनी बेटी को माफ कर सकती हैं तो मुझे भी माफ कर दीजिए। नूर को? उसने मुझसे कहा था कि आपने अभी तक मुझे माफ नहीं किया, इसलिए किसी को बिना बताए मैं यहां आया हूं आपके पास माफी मांगने। नूर तो यहाँ एक ही बार आई थी, उसके बाद वो यहाँ कभी नहीं आई। उसको तो अब ये भी याद नहीं कि मैं कौन हूं। उसने पैसे नहीं दिए आपको? पैसे? कौन से पैसे? मुझे तो उसका दिया हुआ दुखी काफी है, और गैर से पैसे लेके मैं क्या करूंगी? ऐसी बातें कर रही हैं आंटी, वो बेटी है आपकी। मेरी बेटी नहीं है, मेरी बेटी तो मर चुकी थी उसी दिन जब उसने इस घर की दहलीज पार की थी। फिर तो मैं भी आपका मुजरिम हुआ ना? मुजरिम तो तुम हो, लेकिन सिर्फ मेरे नहीं बल्कि और भी बहुत सारे लोगों के मुजरिम हो जो तुम्हारी वजह से परेशानी का सामना कर रहे हैं। कौन आया है? थी मेरे सखों के मुंह खुल गए। मैं आंटी से मिलने आया था, उनसे माफी मांगी। मुझे नहीं मालूम था कि आप यहां हो। तुम्हारी वो मकरूर और नक्चड़ी बीवी इन्हें बेचारों मददगार छोड़कर चली गई, तो क्या हम भी ना संभालते? इतना तो खून सफेद नहीं हुआ अभी हमारा। मैं माफी चाहता हूँ। मैं वाकई यही समझता रहा कि नूर आती होगी आंटी को देखने के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता था। तुम्हें तो और भी बहुत कुछ नहीं पता, और वो तुम कर गुजरे बड़े आराम और सुकून से। फजीलत बहन, इसे कुछ मत बोलो, कसूरवार ये भी नहीं, ये तो बस हालात के शिकंजे में आया हुआ है। कैसे ना कहूं मैं से? इसने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी है। मेरी वजह से? मैंने तो कुछ भी नहीं किया ना, मैंने रिश्ते से इनकार किया, और मंगनी भी मेरी वजह से नहीं टूटी। मैंने तो उसके बाद शादी तक नहीं की, लेकिन हर बार 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 पड़ी ने मुझे धुतकारा। मैं उसकी वजह से मौत के मुंह में चला गया था, लेकिन तुम तो मौत के मुंह से वापस आ गए, लेकिन मेरी बेटी तो जिंदा दरगो हो गई, जिंदा लाश बन गई है वो, जिंदा लाश। सुना तुमने? वो इंसान हो इसने नूर तक का हाल नहीं पूछा कि वो किस हाल में, तो अपनी जिंदगी मसे में जी रहे, लेकिन हमें तो ये जिंदगी इसी अजियत के साथ सक के जीनी है।